हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ HSC इंग्लिश ग्राम सचिव, यानी ग्राम सचिव के लिए जो इंग्लिश है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर जो अपने पढ़ने हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले नाउन की हम बात करते हैं। HSC में सिर्फ उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है एंड इट्स काइंड, और उसकी काइंड पूछी जाती है। जैसे आपको एक वर्ड टी मिल सकता है तो आपने बताना है कि ये कौन सी नाउन है, इस तरीके से पेपर में पूछा जाता है। जहाँ तक हम प्रोनाउन की बात करें तो एक वर्ड अंडरलाइन मिलेगा, आपने बताना है कि भी ये क्या है, और साथ में उसकी काइंड को भी आपने ध्यान में रखना है। जैसे दिस वर्ड मैंने यहाँ लिखा है तो ये पूछा जा सकता है कौन सा प्रोनाउन है। और एडजेक्टिव भी बिल्कुल सेम है, एडजेक्टिव में भी जो डेफिनेशन मतलब आपको पता होना चाहिए भाई, विशेषता बताना नाउन और प्रोनाउन की, ये पता होना चाहिए। और जैसे एक वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा अमेरिकन, तो ये पूछा जा सकता है ये एडजेक्टिव की कौन सी काइंड है, प्रॉपर है या कौन सी, इस तरीके से पूछा जा सकता है। जहाँ तक हम बात करें एडवर्ब, एडवर्ब में भी बिल्कुल सेम है। एडवर्ब यानी जो वर्ब की विशेषता बताए जो एडजेक्टिव के मीनिंग में भी कुछ जोड़ दे, पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है व्हेन कौन सा एडवर्ब है, जो टाइम है या प्लेस है कौन सा है। यदि हम बात करें आर्टिकल्स की तो ए एन द जीरो आर्टिकल, ये चार हैं, आपको पता है इसका। लेकिन HSC में हमने देखा कि ज़्यादा जो फोकस रहता है जीरो आर्टिकल पे रहता है, जीरो आर्टिकल के रूल ज़्यादा आते हैं, लेकिन ए एन द भी आपने ध्यान में रखना है। जहाँ तक नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं क्लोजेज, ग्राम सचिव में एक इसमें से पक्का पूछा जाता है कि भी ये अंडरलाइन जो प्रिंसिपल क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है या फिर कोऑर्डिनेट क्लोज है। इसलिए क्लोज का चैप्टर जहाँ तक ग्राम सचिव की बात है जरूरी है। प्रीपोजिशंस सारे जितने भी HSC एग्जाम्स हैं सबके लिए जरूरी है, खासकर जैसे ये मैंने लिखे हैं यहाँ पर, इनके रूल्स आपको आने चाहिए। जैसे टू है, ऑफ है, ऑन है, फोर है, बिसाइड है, इसके अलावा जो अन्य वर्ड्स हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए यदि हम प्रीपोजिशन की बात करें तो। मोडल्स के जो रूल कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, जितने भी ये वुड का कई बार पेपर में पूछा गया है, मस्ट कई बार पेपर में पूछा गया है, तो मोडल्स का चैप्टर भी ग्राम सचिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बिल्कुल आसान सा पूछा जाता है पेपर में कि भाई एक्टिव वॉइस को चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना कम आता है जहाँ तक हम वॉइस की बात करें और जहाँ तक HSC की बात है। और यदि नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें, इट्स नरेशन, नरेशन है जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी जिसको हम कहते हैं। इसमें इंटरोगेटिव, डब्लू फैमिली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन आपने ये कंप्लीट चैप्टर कर लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है HSC के लिए। इडियम्स तो पक्का पूछा जाता है, इडियम्स मुहावरे जहाँ तक बात है, लेकिन पढ़ने कौन से हैं, बेसिक्स, जो बेसिक मुहावरे हैं वो आपने पढ़ने हैं, खास करके वो भी आप पढ़ सकते हो जो प्रीवियस HSC एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं, वो इडियम्स भी आप पढ़ सकते हैं। और यदि हम बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा जो प्रीवियस HSC एग्जाम्स में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं वो आपने ज़रूर पढ़ लेने हैं। इसके अलावा जो बेसिक्स से हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेने हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो प्रीवियस HSC एग्जाम के एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट बनते हैं, और भी जो बेसिक्स जो एंटोनिम्स हैं, विपरीतार्थक जिसको हम बोलते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यदि हम बात करें सिनोनिम्स की, पर्यायवाची जिसको बोलते हैं हम, इसकी हम बात करें, इसमें भी आपने फोकस करना है जो प्रीवियस HSC एग्जाम्स हैं। और यदि हम बात करें, ये एड टैग क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और एक नंबर का पक्का पूछा जाएगा, चाहिए बात आप नोट कर सकते हो, प्रत्येक HSC एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो आज का मकसद यही चैप्टर आपको बताना था। और इनके अलावा हमने अपना जो चैनल है ट्रू इंग्लिश क्लासेज, इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, वो जाकर अपनी तैयारी को आप मजबूत कर सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा।